ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ क्लिनिकल डाइटिशियन डॉक्टर नोहा सादिन और आज का हमारा टॉपिक है कि आपने अपनी इमोशन क्रेविंग्स पर कैसे कंट्रोल करना है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम लोग खाना खाते हैं लेकिन हम लोगों से कंट्रोल नहीं हो पाता, या हमारा हाथ नहीं रोका जाता, कोई हमारे आसपास खाना खा रहा हो या उसकी खुशबू से ही इवन कि वो लोग कहते हैं कि हम लोगों को क्रेविंग्स होती है, हम कुछ ना कुछ ऑर्डर कर लेते हैं कुछ इस तरह से, जिसका जो अल्टीमेटली नुकसान है वो है फैट ओबेसिटी। तो आज हमने सोचा इसके ऊपर आपसे डिस्कशन की जाए। तो आज हम आपको कुछ पांच तरीके बताएंगे जिसको आप अगर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर फ़र्क महसूस होगा। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। तो अगर हम सबसे पहले बात करें मील की, मतलब आपने अपना ब्रेकफास्ट बिल्कुल स्किप नहीं करना, लेकिन उसके साथ साथ आपने दिन के 6 दफ़ा मील आपने लाजमी कंज्यूम करना है। 6 से मुराद 3 बिग मील्स और 3 स्मॉल मील्स। ये जो भी पेशेंट या जो भी इंसान अपने 6 मील्स कंप्लीट करता है उसको इमोशनल क्रेविंग्स नहीं होती। नंबर 2, अपना पानी का इनटेक। अपने बॉडी वेट के लिहाज से आपने अपने अपना पानी का इनटेक लाजमी उसको मेंटेन रखना है। मैं तो ये कहती हूँ कि जिस तरह से भी समर्स हैं तो बाहर जाने के लिए जो हमारा स्वेटिंग है उसके लिए भी एक गिलास पानी पीना चाहिए। जब हम बाहर से वापस आ जाएं तो उसके हिस्से का भी एक अलग गिलास पानी का पीना चाहिए, लेकिन बाकी आपकी जो पानी की सर्विंग है वो अलग है। नंबर 3, आपने अपने वर्कआउट के ऊपर लाजमी तवज्जो देनी है। जो लोग अपने वर्कआउट के ऊपर तवज्जो नहीं देते क्योंकि गर्मी की वजह से वो कहते हैं हब वो ज़्यादा हो गई हमसे नहीं रहा जा रहा, जिसकी वजह से वो लेज़ी हो जाते हैं और अल्टीमेटली ये होता है कि आप फ्री टाइम के ऊपर कुछ ना कुछ खाने की तरफ मूव कर जाते हैं। और नंबर 4, आपने बेशक अभी समर्स हैं जो भी मसला है, आपने ग्रीन टी का 1 कप लाजमी दिन में कंज्यूम कर लेना, या फिर कोई कहवा ऐसा जिससे आपका मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो फास्ट हो सके। और नंबर 5 ये है कि आपने सैलड्स का या फ्रूट्स का इनटेक सबसे ज़्यादा रखना है और इसके साथ साथ अपने वेजीज, ग्रीन वेजीज जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। होपफुली आपको जो कुछ टिप्स आपको बताई गई हैं आपके लिए इंशाल्लाह बेनिफिट साबित होंगी, लेकिन अगर फिर भी आपके ऊपर आपको इमोशन क्रेविंग्स के ऊपर आपका नहीं कंट्रोल हो पा रहा तो आप अपनी किसी भी डाइटिशियन या न्यूट्रिशन से रब्ता कीजिए। ठीक है, थैंक यू।